एफआईआर जैसे क्रिमिनल को पकड़ते वक्त आपको डर नहीं लगा सर? किसने कहा डर नहीं लगा? हमेशा डर लगता है। खून की जगह डर दौड़ता है मेरे शरीर की नसों में। जब से ड्यूटी ज्वाइन की हर पल यही डर लगा रहता है मुझे कि कहां से दुश्मन की गोली आकर कहां घुस जाए। फिरोज को तो रवि ने अरेस्ट करवाया है, लेकिन पब्लिसिटी इसकी क्यों हो रही है? आज आप यहाँ मुझे मेरी कामयाबी पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन कल शायद हो सकता है कि ड्यूटी निभाते वक्त मैं शहीद हो जाऊँ। तो इस शेर दिल बहादुर देशभक्त के लिए आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए, ना कि गम के और ना ही मगरमच्छ के। डैडी अच्छा फेंकते हैं ना? अपराध करने वाले को उसकी अंतरात्मा झंझोड़ती है। उसी तरह ये सीटी, ये बिल्ला, ये नेम प्लेट, ये वर्दी मुझे फर्ज की याद दिलाते हैं। जिस दिन मैं मौत का सामना करूंगा, इन आंखों में रोशनी कम होगी, इस मुंह में दांत नहीं होंगे, पर मैं अपनी मूछों पर ताव दूं, मूछें बढ़ाकर ताव दूंगा। देखो कहीं के फिरोज भाई को आपने कैसे अरेस्ट किया सर? फिरोज दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, पर मेरे लिए चूहे का पिल्ला था। उसके एरिया में जाने से मेरे साथी कांपते थे, बट आई डिडंट केयर। मैं शेर जैसा दहाड़ा, डायरेक्ट उसका कॉलर पकड़ा और उसे मेरे कदमों में गिराया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। इसके सारे गुंडे मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने लगे, हमें छोड़ दो सर। पर मैं बोला, अरे भाई लोग अपने बॉस को समझाओ कि मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे। I don't care। सारा क्रेडिट जीजू लेकर जा रहा है। हर पल हर दिन अपनी जान पर खेल कर मैं अपना फर्ज निभाता रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है सर। एग्जाम मैंने दिया, डिस्टिंक्शन ही नहीं। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा सस्पेंशन हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे। जाओ जाओ, आपको पेंशन का वास्ता, तुम्हें जीजा जी का वास्ता, जाओ। मैं 24 घंटे जागता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। अरे कॉन्फ्रेंस चालू है, जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से जल्दी। कारनामा मेरा नाम इनका, दीदी का वास्ता इन्हें छोड़ दो। अपने फर्ज के आगे हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। हमारा इंश्योरेंस तक नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस वाले हमारा इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं हमारा काम बहुत रिस्की है, वो जानते हैं कि मौत कभी भी हमें अपने आगोश में ले सकती है। ये क्या जी? ऑमलेट है और क्या? पकड़ा उसने, क्रेडिट आप लोगे। अरे पगली, ताजमहल असल में बनाया किसने? मजदूरों ने। नाम किसका हुआ? शाहजहां का। इसी तरह इस निकम्मे का क्रेडिट मैंने ले लिया तो क्या हुआ? बस बहुत हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, उसे पुलिस में भर्ती कब करवाओगे? इस जन्म में तो भूल ही जाओ। अब कहना क्या चाहते? सिंपल है, ये निकम्मा है, इसने पुलिस में भर्ती का फॉर्म भरा था, वो मैंने फाड़ दिया ताकि ये कभी कांस्टेबल भी ना बने। जीजू तुम ही मजाक करता है ना? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा जो मैं मजाक करूंगा। घर को नरक बना के रखा है, ऑफिस में तो चैन से काम कर रहे। तो साले की जगह जूते में होती है, सर पे नहीं। अरे जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं साले को, इससे पिंड छूट जाए तो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। वाट लाऊं टाकली मजाक करियर जी। हर्षद राणे, टेंथ में कितना मिला? 100 में एक कम। पुलिस रिकॉर्ड का झूठ नहीं, असली परसेंट बता। 95%। सोते जागते उठते बैठते वर्दी दिखाई देती है, पुलिस बनने का भूत उतरता ही नहीं है। सर आपसे कोई मिलने आया है। इधर काय को आई? मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हें पुलिस की नौकरी से इतना प्यार है, मुझे ये बात सच में नहीं पता थी। नौकरी तो अपनी मेहनत से मिलती है, हम लोगों को रिंग सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनमें उम्मीद जागे, और मैं तुम्हें रिंग के पैसे भी लौटा दूंगी। तुझे भाषण मन कर, तेरे प्रवचन की और तेरे रिंग की जरूरत नहीं है, हमदर्दी का टोकरा उठा अनिजा। लेकिन मैंने तो निकल, तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ इसलिए मालकिन रोज मंदिर में जाकर दिया जलाती है, तुमने मालकिन का दुखी दिल दुखाकर उसे और दुखी कर दिया। सिर्फ मंदिर ही जाती है, दरगाह चर्च गुरुद्वारा क्यों बाकी रखा उसने, वहाँ भी जाया करे। मैं कहता हूँ तुम ACP बनोगे। बाजू में बाकड़ा खा ले, वहाँ जाके बैठ, तुझे मुझसे ज्यादा चाहिए। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। चाहे जो भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, उन सब में एक ही कॉमन पॉइंट है कि ACP बलदेव सहाय इज ए करप्ट ऑफिसर। हाँ तुम सब भाऊ है? उसे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है।
उसने एक खूंखार क्रिमिनल को जेल से भगाया। इसी सदमे से मेरी माँ कोमा में चली गई। तुम्हें टीवी पर देखकर उसने हरकत की, नहीं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब वो नॉर्मल हो रही है। तुम मेरे भाई की जगह लोगे तो दो फायदे होंगे। पहला, मेरी माँ को बचाया जा सकता है ये कहकर कि उसका बेटा जिंदा है। दूसरा, तुम्हें देखकर मेरे भाई के पार्टनर्स शायद गांगुली भाई को फिर से पुलिस के हवाले कर दें। फिर तुम चाहो तो उस पोस्ट का हकदार बनकर जिंदगी भर ड्यूटी कर सकते हो। कोलकाता के लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को अब तुम्हें ही जगाना होगा। सर, 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 सर। ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर बनना मेरा जुनून है, मेरा लक्ष्य है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि वर्दी की पावर क्या होती है। मुझे माता जी से मिलना है। सेम बलदेव की तरह है। सर, अगर गांगुली भाई को पकड़ना है तो यही एक रास्ता है। होप योर प्लान वर्क्स। आपके कहने पे मैं इसे कालीघाट का एसीपी बनाता हूँ। गुड लक मिस्टर रवि शास्त्री। आज से मैं रवि नहीं हूँ सर, आज से मेरा नाम होगा बलदेव सहाय, एसीपी कालीघाट। हैं? ये गेटअप मां अमी चिकनो चौमेली लागछी। टाइगर तो रवि, कैरेक्टर में घुस। इस तरह तो आम इंसान उतरता है। एटीट्यूड और स्टाइल पकड़। लुखे, मैं आज फुल टू गेटअप में आया हूँ और तू इन्हें कल बुला रहा है? इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे, बंगला। अब प्रेस अमा की फॉलो करो। कौरव जी केशा? सर, इतने दिन आप कहाँ थे? कॉमन सेंस, एक्सीडेंट के बाद इंसान कहाँ जाएगा? कौरव गेस्ट, चलो नेक्स्ट। सुना है गांगुली भाई को भगाने में आपका हाथ था? ऐसा क्या? थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। वैसे गांगुली भाई इस वक्त कहाँ है? कहीं त्याला डाउट तरना झाला, रवि इससे बच के रहे। वैसे गांगुली भाई को भगाने के लिए आपको कितने पैसे मिले हैं? मित्रों, तुम लोगों को कोई दूसरा सवाल पूछना नहीं आता? अगर पैसा कमाया होता तो दुबई या बैंकॉक में जाकर ऐश नहीं करता, एक खाने आके ड्यूटी नहीं ज्वाइन करता। सर, बात वो नहीं है। तो कोई बात ही नहीं है। आमी देवो आज की ब्रेकिंग न्यूज, 48 घंटे के अंदर गांगुली जेल के अंदर होगा केस क्लोज। इस न्यूज को बार बार टीवी पर दिखाओ और फ्रंट पेज पे मेरे फोटो के साथ छापो। डरो मत, फरी नहीं कर रहा हूँ, पोज दे रहा हूँ। खींचो, फुल लेंथ, हाफ, लैंडस्केप, नाइट मोड, पासपोर्ट साइज। कुछ ज्यादा ही शक की नजर से देख रहा है मेरी तरफ? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जाकर गाड़ी निकाल, बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे गुंडों को पकड़ना है, चाबे के खाबे है। कसा भागा तुम दबा के? हमारे साथ सांप सीढ़ी खेल रहा है तू? 10 करोड़ की डील फाइनल करके अपनी मौत का ढोंग रचाकर अपने पार्टनर से 100 करोड़ की एक्स्ट्रा फिरौती मांगता है? ए, गांगुली भाई को मेरे हवाले कर। धमकी दे रहा है बे? तुम सबके दिन भर गए। तेरे गांगुली भाई का जीवन बीमा किया है ना, क्योंकि वो जीवन से हाथ धोने वाला है। अबे हमारा एजेंट है या जीवन बीमा का एजेंट बोलता है? साले वर्दी दिखती नहीं। अबे गाड़ी निकाल, गाड़ी में बैठ, किसकी सड़क है गाड़ी में बैठ। इस हफ्ते का प्रॉफिट 112 रुपए 80 पैसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या तुम सच में एसीपी? हाँ, सच में मैं कोलकाता का एसीपी बन गया हूँ। अगला कोड़ी बगीचा तलना है।
अभी आता हूँ। सोचा नहीं था कि आपसे फिर मिल पाएंगे सर। इन्हें मुझ पर शक हो या चादी, इधर से कल्टी मारनी चाहिए। चलो आश्ची। कहाँ चलना है? अब कहाँ